और चलिए अब बड़ी खबर के लिए सीधा राजगढ़ का रुख करते हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम पदाधिकारियों को संबोधित भी किया है। और आपको बता दें, बैठक के बाद तमाम बीजेपी पदाधिकारी बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। ये सीधे तस्वीरें राजगढ़ की आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की एक अहम बैठक जिसमें 55 पदाधिकारी शामिल हुए और अब ये बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित किया। और अब आपको बता दें, बैठक के बाद बीजेपी पदाधिकारियों के बाहर निकलने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बैठक संपन्न हो चुकी है। एक अहम बैठक थी ये राजगढ़ की, जिसमें आपको कई चेहरे भी नजर आ रहे होंगे। पूर्व मंत्री ललिता यादव इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय भी दिख रहे हैं तस्वीरों में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, धर्मराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मराज, किस तरह की ये बैठक रही, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश स्तरीय सबसे बड़ी बैठक थी जो पहली बार राजगढ़ जिले में हुई है। यहाँ पर संगठन के और प्रदेश के पदाधिकारी और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और इन्होंने अपनी इस बैठक में शामिल होकर उन्होंने कई एजेंडों पर रोड मैप समीक्षा बैठक की है। आगे आगामी जो उपचुनाव है और जो 2023 के जो चुनाव, उसकी समीक्षा बैठक की है और कार्यकर्ताओं को जो जमीन स्तर पर और दिग्विजय सिंह के जो गढ़ है उसमें कहीं ना कहीं चेंज लगाने के लिए उन्होंने एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पर जितने भी 55 पदाधिकारी और सीएम मौजूद थे, उन्होंने समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है और यहाँ से सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।